हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ और वो की स्ट्रोक कैसे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पे आपको सर्च करना है की वाइज और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आएंगे यहाँ पे रिलीज ये वाली वेबसाइट जो दिख रही है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इस पर यहाँ आएंगे और आप आ जाएंगे नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आ जाएंगे एसेक्ट में। और इस फाइल को आपको डाउनलोड करके, 8 MB फाइल है, इसको यहाँ से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अब ये जब डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको रोक देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और कुछ नहीं करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको, आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही दिखेगा, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया इसलिए 2 हैं, मैं इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, ये एक दिख गया। और इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आप ऑफ करेंगे तो अब की स्ट्रोक में कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो गया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप इसमें क्या सेटिंग कर सकते हैं, देखिए सॉलिड कर सकते हैं कलर। देखो सॉलिड कलर दिख रहा है, और ये एस्मेटिक मतलब ये बटन टाइप का दिख रहा है, ये पहले अब की टाइप का डिजाइन आ गया इसमें। ठीक है, एक है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कैसा है, डिफॉल्ट भी ऐसा ही है जो इसका इंस्ट्रूमेंट ट्रिक है। इसे आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। ठीक है, और जो आप साइज चाहें वो सिलेक्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें, ये साइज है। इसके बाद की का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, यानी ये की है इसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं, ये मॉडिफाई की है, इनका चेंज नहीं होगा। एक की कलर है, यानी ये वाली की जो होंगी नंबर वाली या ABCD वाली जो की है उनका कलर चेंज करना है तो इससे कर सकते हैं आप। कोई भी की का कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडिफायर कलर है, ये मॉडिफाई कलर की है तो इनको कैसे चेंज करना है, देखो इनको कोई भी डिजाइन ले सकते हैं आप, ऐसा ले सकते हैं या आप इनमें से कोई और डिजाइन ले सकते हैं। ये मॉडिफायर की मैंने ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो पीछे आपको बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर ये कैसा लेना चाहते हैं आप, यहाँ से बॉर्डर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइट ले सकते हैं, मतलब वाइट नहीं है, ये सोवीन सिल्वर ले सकते हैं, और बहुत सारे कलर हैं, ग्रे ले सकते हैं, कोई भी कलर जो आप चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर, ब्लैक ले सकते हैं जो दिखेगा ही नहीं आपको, तो अपन ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे शो आइकॉन। अब देखो ये आइकॉन दिख रहा है ना आपको कि कौन सी दवाई हमने उसका आइकॉन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ नाम दिखेगा। ठीक है, इसको यदि मैं हटा दूंगा तो सिर्फ नाम दिखेगा, इस पर क्लिक ऑन रखेंगे तो आइकॉन शो होंगे। ठीक है, शो सिंबल। अब ये सिंबल देखो, सिंबल किस पे काम करेंगे, जैसे मेरे बटन वाल ये सॉरी ये 1 2 3 4 5 की जो की होती है ना उनके ऊपर जो सिंबल होते हैं वो सिंबल इससे बन चालू होंगे, और जो मॉडिफायर की वाले हैं उनके ऊपर जो शो होता है उसको आइकॉन कहते हैं, तो वो आइकॉन इससे बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है अपना सेकंड अप्रियंश, इसमें मार्जिन नीचे से कितना ऊपर करना है। ठीक है, ओके, मार्जिन सेंटर कौन सा मार्जिन चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन, दो की के मतलब आप जब की प्रेस करते हैं कितने टाइम तक उसको स्क्रीन पर शो करके रखना है, ये वो वाला ड्यूरेशन है। ये एनिमेशन है, एनिमेशन की स्पीड कैसी चाहिए आपको, स्लो चाहिए, हाई चाहिए। ठीक है, वो एनिमेशन, ये एनिमेशन टाइम नन बिना एनिमेशन के आएगा।
ये क्लिक किया और आपने कुछ क्लिक किया तो ऐसे आएगा, ठीक है, बिना एनिमेशन किया। और यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ स्लाइड कर देते हैं, तो अब देखो जो भी आएगा वो एनिमेशन मतलब नीचे से आ रहा है ना, एनिमेशन हो के आ रहा है, ठीक है, एनिमेशन हो के आएगा। ओके, ये हुआ एनिमेशन। एनिमेशन स्पीड फुल करेंगे तो देखिए इसको जितना बढ़ाएंगे ना स्पीड उतनी डाउन हो जाएगी, और इसको जितना कम करेंगे ना उतनी स्पीड अच्छी हाई हो जाएगी, ठीक है। इसको बढ़ाओगे स्पीड कम हो जाएगी, है ना, देखो कितने स्लो आ रहा है ना ये ड्यूरेशन। अब ये आपने ये प्रेस किया तो ये कितने टाइम तक, इससे ड्यूरेशन बढ़ जाएगी उसकी, कितने सेकंड तक आना है, ठीक है। ओके, इसके बाद अपना बचता है अबाउट। अबाउट मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, एक जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में अब देखो, जनरल सेटिंग में क्या मिलेगा आपको, हॉटकी फिल्टर, डिस्प्ले ओनली हॉटकी। मतलब देखो, एक तो इसको बंद करेंगे तो आप कोई भी की दबाएंगे ना तो वो शो करेगी, ठीक है, कोई भी की प्रेस करेंगे तो शो करेगी। इसको ऑन कर देंगे तो केवल हॉटकी मतलब जो मॉडिफायर की है, मॉडिफाई की या उसके साथ कोई कोई भी प्रेस करोगे ना, मॉडिफायर की के साथ यदि कुछ भी प्रेस करोगे तो वही शो होगा। इससे इसको ऑन किया, मैं मॉडिफायर की के साथ जो भी प्रेस करूंगा सिर्फ वही दिखेगा आपको, है ना। और यदि इसको बंद कर देंगे तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे वो दिख जाएगी, चाहे तो वो नंबर हो या लेटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए शिफ्ट सिंबल, शिफ्ट सिंबल्स, डिस्प्ले सिंबल्स, ठीक है। अब देखो, आप शिफ्ट के साथ कोई बटन प्रेस करेंगे ना सिंबल शो नहीं होंगे, सिर्फ नंबर शो होगा ना। यदि अब इसको बंद करेंगे तो देखो आप स्टार शो होगा ना, ठीक है, मतलब सिर्फ सिंबल शो होंगे ओनली, ठीक है। शिफ्ट के साथ यदि प्रेस करेंगे आप नंबर वाला तो सिर्फ इसे नंबर जिसके ऊपर सिंबल है वो शो होगा, यदि इसको ऑफ रखेंगे तो, ठीक है, सॉरी इसको ऑन रखेंगे तो शिफ्ट के साथ जो सिंबल है वो जो आएगा वो दिखेगा, ठीक है। रिप्लेस नहीं, क्योंकि क्या है देखिए, मान के चलो ये अपन ने कुछ प्रेस किया, आप देखो ये रिप्लेस कर रहा है, मतलब एक दूसरे अब कुछ भी टाइप करते हैं रिप्लेस करता रहेगा, ठीक है। इसको हटा देंगे अपन तो क्या होगा, देखो ये रिप्लेस नहीं करेगा, अलग अलग आएगा नीचे से, है ना, मतलब अब नीचे से अलग अलग टेस्ट आएगा, ठीक है। आप देखेंगे कुछ भी नाम डाला आपने ये अलग अलग आएगा, और यदि आप इसको रिप्लेस वाला ऑप्शन चालू रखेंगे तो एक ही जगह पर रहेगा, है ना, एक ही किए इसी पर रिप्लेस होते रहेगा, अलग अलग नहीं आएंगे लेटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको सेटिंग को आप यहाँ से सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं सेटिंग को, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।